Who is working on laptop? Good morning, bachche log. Anybody who is working on laptop? Anybody who is working on, am I audible? Yes, sir. क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Anybody working on laptop? No one. Afif, you are on laptop or phone? Sir, I'm now on my phone. Okay, and Bhargesh, Jitu, Maaz? On phone. Sir, on phone. हो सके तो है ना, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, पता नहीं बीच में उड़ जाता है तो पूरा लास्ट में मालूम पड़ता है रिकॉर्डिंग हुई नहीं. तो इफ टू पीपल आई विल ऑल्सो रिकॉर्ड, वन ऑफ यू विल ऑल्सो रिकॉर्ड, तो इट विल रिमेन विथ अस एनी वे. तो अभी तक ये नहीं आई, विधि नहीं आई और त्रिशा नहीं आई. Anyway, I just repeat once again, we were doing projectile part. यही वाला डायग्राम था, ऐसे projectile को anybody thrown in the atmosphere at some angle is called projectile. U is the velocity of projection, theta is the angle of projection, h max is the maximum height, r is the range. U has got two components, u cos theta and u sin theta. Remember, any x motion जो होता है ना, it is for u cos theta. And any y motion, vertical motion is due to u sin theta. अभी वापस से एक बार फिर से याद दिलाता हूँ आपको सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सपोज दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑन एक्स एक्सिस? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस? 8 and 4 ना, जीरो, 8 and 0. उसी तरह से अगर डिस्टेंस r है तो इसकी कोऑर्डिनेट होगी r कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे r एंड y कोऑर्डिनेट पे 0. यहां पे सो आई वाज डूइंग, एंड ये एक बात ध्यान रखना, एनी ओरिजिन जब भी x मोशन लेंगे तो ax यानी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है, कितना होता है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? -9.8 और +9.8 ax. देखो इधर u cos theta, u cos theta, u cos theta never changes. तो ax will be +9.8 or -9.8? Zero. That's it. I love it. Acceleration will be zero. All right. And what about y? Initially point is O. Initially point is O. Initially point जो के कहाँ फेंका है, ऊपर या नीचे? से ऊपर. यहाँ पे y क्या लिखूँ? R और h max और what? R h max और you tell me what should I write? A acceleration. R लिखू, x लिखू, r by 2 लिखू, h max r क्या लिखू? Acceleration in y direction. What should I write? Initially body is देखो vertical direction में ऊपर से किया है. तो a y will be u sin theta r by क्या? Sir, is it u sin theta? Very bad answer. She. Very bad. So minus zero. Only Vidhi is right. अरे यार ऊपर बॉडी फेंकते हैं तो जी एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, नीचे फेंकेंगे तो इनिशियली पॉइंट पे किधर फेंका है? पॉइंट पे किधर फेंका है, ऊपर या नीचे? यू साइन थीटा ऊपर है कि नीचे? अरे यू साइन थीटा ऊपर है कि नीचे, इतना ऊपर ऊपर. कभी भी बॉडी ऊपर फेंकते तो ए विल बी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव. तो फिर माइनस जी ना सीधा, कोई जीरो बोल रहा है, कोई क्या बोला, यू साइन थीटा. अरे मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तुम वेलोसिटी की बात कर रहे हो. वेलोसिटी में तो यू साइन थीटा लिखा ना मैंने. ओके साइन, देखो मैंने क्या बोला, एक्स डिस्टेंस ओ टू ए, ओ टू ए आई कैन से टी वन इज द टाइम ऑफ एसेंट, एंड ओ टू ए इन वाई डायरेक्शन आई शुड राइट टी टू या टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, या इट विल बी समथिंग एल्स? व्हाट शुड आई राइट? एनीवन? देखो O to A x डिस्टेंस में टाइम इज T1, तो O to A y डिस्टेंस में टाइम कितना होगा? T2 लिखूं या चलेगा T1 या कुछ और लिखूं? T3 लिखूं, T4 लिखूं? चलो मैं अभी एक मैं एग्जांपल देता हूं. मैंने इधर मास को खड़ा किया,
इधर मैंने मास्क को खड़ा किया इधर हवा में, जहां पे जैसे ये पॉइंट दबा पाएगा उस स्टॉपवॉच बंद करेगा अभी। और यहाँ पे मैंने अफीफ को खड़ा किया, मैं बोला अफीफ जैसे ही R/2 पे आएगा, डिस्टेंस R/2 है यू नो, ओ टू ए एक्सिस्टेंस, तो तुम अपनी स्टॉपवॉच बंद करना, जैसे यहाँ पे फेंका जाएगा स्टॉपवॉच चालू करना। अफीफ का ध्यान खाली यहाँ से यहाँ तक का है, और इसका ध्यान क्या है, ये ऊपर कितना पहुंचता है, यहाँ पे आके बंद करेगा, ये यहाँ पे आके बंद करेगा स्टॉपवॉच। जैसे ही फेंका लेटर से, ये फेंकने वाला भरगेश भराई, भरगेश को जुप, तो उसने स्टॉपवॉच चालू की, दोनों ने साथ में स्टॉपवॉच चालू की। मुझे एक बात बताओ, ये जब यहाँ से यहाँ आया वो टाइम पे, डोंट यू एग्री, ये वहां पे वहां पहुंच गया होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस साइमल्टेनियसली कवर होता है कि ये पे अलग पहुंचता है, वो पे अलग पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता नहीं है, ये पहुंचता वहीं पे ही है, पहुंचता ये पे है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सपोज इसका 5 सेकंड लगा तो उसका कितना लगेगा, इसका 5 सेकंड लगा तो उसका 6-7 लगेगा, या 5 से कम लगेगा, या 5 ही लगेगा, 5 ही लगेगा। दिस विल बी T1 ओनली, इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, इसको टाइम ऑफ एसेंट, O to A, टाइम ऑफ ऊपर जाने का टाइम, एंड टेल मी O to B, O to B में ये टाइम और ये टाइम विल बी सेम और डिफरेंट, ये टाइम या ये टाइम, इट विल बी सेम और डिफरेंट, यहाँ पे वापस वो कहीं देखिएगा ऊपर से यहाँ पे आते हुए, और ये देखिए इधर दोनों टाइम में बचेगी, तो दिस विल बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, अल्टीमेटली इधर आने का टाइम सेम रहेगा ना, टोटल टाइम उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे गिर रहा है साथ में, तो टाइम सेम रहेगा ना, उसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं समझ में, टेबल समझो, आ गया ना समझ में तो एंटायर चैप्टर गेट्स ओवर। ये नहीं मालूम पड़ा ना, थोड़ा डाउट है ना, हाउ टी इज द सेम, अंडरस्टूड। ओ से बी देखना है, ओ से बी, अगर एक्स डिस्टेंस में टी तो वाई डिस्टेंस में भी टी ना, पहुंचा तो वहीं पे ही है, खाली इतना है एक्स इज आर एंड वाई जीरो, बट टाइम टेकन विल बी सेम। नहीं नहीं बैठ रहे दिमाग में, वापस समझाओ। ओके मुझे इतना बताओ, ओ से बी, ओ से बी पहुंच रहा है, फाइनली कहां गिर रहा है, ओ से स्टार्ट कर रहा है और बी पे जाके गिर रहा है, एग्री? यस सर। यहां पे दोनों को कवर, दो स्टूडेंट को कवर, उसने ओ से जैसे ही स्टार्ट करेगा स्टॉपवॉच स्टार्ट करेगा, जैसे ही बी पे जाके ये या बंद करेगा, चाहे कैसे भी जा रहा है ऊपर नीचे उससे मतलब नहीं है, तो दोनों का टाइम अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा, और टोटल यहाँ पे आगे के बाद लुढ़क गया, मतलब वापस जमीन पे आ गया, प्रोजेक्ट एल का काम खत्म, तो टी विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड टेल मी, यहाँ पे नोट लिखो, टाइम सॉरी वाई मोशन फ्रॉम ए टू बी, और मोशन फ्रॉम ए टू बी दिख रहा है ना, मोशन फ्रॉम ए टू बी T2 equal to time of descent. Anybody can tell me how to find the time of descent? Anybody? Anyone can tell me? उसमें T और T1 का सहारा लेना पड़ेगा। चलो एक हिंट दे। Sir, total time minus T1. That is right. T equal to T1 plus T2, and therefore T2 will be T minus T1. ये पूरा कॉपी कर लो इतना। ये तो कॉपी किया था ना, थोड़ा पार्ट तो कॉपी किया था, उसमें भरना है खाली। हाँ अब देखो, मेरा एक बार रिवीजन, कभी भी एक्स मोशन होगा, एक्स मोशन यानी वी हैव टू टेक ऑफ यू कॉस थीटा, ऑलवेज यू कॉस थीटा, वाई मोशन होगा तो यू साइन थीटा। खाली ध्यान रखना, वाई मोशन में दिस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, यू कोसाइन थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग 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 और यहाँ पे बिकम जीरो,
एंड देन अगेन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी से गिरता है, बट यू कंसीडर इमेज सेम. तो व्हेन आई कंसीडर मोशन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए अगर एल डिस्टेंस देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, दैट इज आर बाई टू. लास्ट टाइम विधि हैड गिवन दिस आंसर. एंड ओ टू ए में वाई डिस्टेंस देखूंगा तो एच मैक्स, ओ टू बी में एल डिस्टेंस देखूंगा तो आर, एंड वाई डिस्टेंस देखूंगा तो जीरो. इसमें जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो, बोलो बोलते टू एच मैक्स लिखो सर, अरे वाई कोऑर्डिनेट क्या देख लो ना, जीरो है. ओके यू एक्स में u cos theta, y में u sin theta, remain, remember this will remain constant and therefore acceleration will be zero in x direction always. u sin theta क्योंकि starting point o है, इधर body को ऊपर फेंका है, g will be minus g, g will be minus g. यहाँ से यहाँ जाने का time, चाहे horizontal देखो, vertical देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचा, चाहे ऐसे देखो, चाहे वैसे देखो, time will be t1. यहाँ से यहाँ जाने का time will be capital G, total time of flight. And total time of flight is nothing but time of ascent plus time of descent. So time of descent will be total time of flight minus time of ascent. ये समझ में आया क्या सभी को? Yes. Yes, sir. Okay. मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को अब मैं मिटा दूँ क्या इसको? तुम लोग बोलो तो, परमिशन दो तो मिटाऊँ इसको. Can I rub it out? ओ बच्चे लोग, ओके अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, टाइटल भी मिटा रहा हूँ, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटा सा टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, तुम लोग को खाली दिखे देखने लायक, बोलते ये दिखाई देगा मुझे लगता है जहां तक है. तो ये है ओ टू ए, क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ेगा बाद में. तो तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, ऐसे बोलना चालू करोगे तो मैं आपके सामने एक्स वाई छोटा छोटा है, लेकिन कॉपी नहीं करना है, खाली आपको ऐसे देखना है एक्स वाई. ये है एस, देन यू, देन ए एंड देन टी. दिस विल बी आर बाय टू, दिस विल बी एच मैक्स, एक्स विल बी आर बाय विल बी जीरो. देन दिस विल बी यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा. ए विल बी एक्स विल ऑलवेज बी जीरो, ए वाई विल बी माइनस जी, एंड टी विल बी टी वन, टी वन T T and T two will be T minus T one. ये मैं संभाल के रखूंगा, ये मैं कह इसको कॉपी मत कर रहा हूँ, ये सेम चीज है आपके पास, मैं बोर्ड पे इसे रख रहा हूँ जिससे कभी मैं यूज करूंगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े. अब एक क्वेश्चन लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर वन टाइम ऑफ फ्लाइट number 2 range and number 3 maximum height, number 4 time of ascent and number 5 time of descent. Is the T1 or is the T2? ये छोटे छोटे, लेकिन मैंने बोला इसलिए आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, मैंने बोल दिया इसे छोटे छोटे वर्ड है, बट बिकॉज आई हैव स्पोकन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डू राइट. ओके अभी हमको है ना ये सब फॉर्मूले डिराइव करने, एक बार फिर से डायग्राम बनाइए आप लोग. ये रहा डायग्राम आपके सामने, मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं. यह है U, यह है थीटा, यह पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B. All right, these distances are. All right, U के दो बच्चे, U के दो बच्चे, हॉरिजॉन्टल बच्चा कितना लिखो, X बच्चा, कोई बताएगा मुझे X बच्चे का नाम क्या दूं? साइन थीटा. हाँ? U साइन थीटा. That's very bad answer, bad answer. I told you जहां पे थीटा होगा वो साइड पे कॉस कंपोनेंट, जहां पे थीटा दूर होगा ये होगा यू कॉस थीटा, और यहां से यहां जाएंगे तो इट विल बी यू साइन थीटा. बताया था मैंने कि नहीं बताया था? और डायग्राम में भी आपने लिख के रखा है, भी आया समझ में? ये बताया था कि नहीं, कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज टेल मी.
बताना। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, बताया था क्या कि बताना भूल गया था ये? यस और नो? बताया था तो बोलो ना यार, मुंह से तो बोलो, नहीं बताया तो मैं वापस बताऊंगा एक बार। जीतू जीतू अंडरस्टूड ना? यस सर। एक बार वापस बताऊं कैसे कॉस थीटा साइन थीटा, जो साइड थीटा है ना वो साइड कॉस, थीटा से दूर साइन। तो यहाँ पे आप लिख दो यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और पहला टाइटल लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट टाइटल लिखो टाइम, और इसको एक्सपेक्ट भी लिख दो। पहला लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। वाई मोशन फ्रॉम ओ टू बी, वाई मोशन फ्रॉम ओ टू बी, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए हॉल में? आई वुड लाइक यू टू फिल अप एस वाई ए वाई देन टी वाई एंड यू वाई। ये जरा भरो ना, प्लीज प्लीज भरो एवरी वन ऑफ यू प्लीज। ये मैंने ऑलरेडी यहां पे हिंट है, कोई भी प्लीज, मैं ऐसा बोलता हूँ ना गलत आंसर दिया ये दिया उससे बुरा मत मानो। इनफैक्ट आई लाइक दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग इवन रॉन्ग आंसर्स, जिससे पता तो चलता है वो लोग हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। प्लीज बोलो। हाँ ये जरा भरो ना प्लीज इतना, एस वाई ए वाई टी वाई एंड यू वाई O to B. सबको भरना कंपलसरी है, ये ध्यान रखो सबको भरना। मैं बोलूंगा क्या लिखा तो बताना पड़ेगा आपको। माज जीतू भर्गेश अफीफ प्रिशा एच वाई विल बी जीरो। वेट वेट वेट, हाँ बोलो जीतू क्या बोल रहे हो आप? सर एच वाई विल बी जीरो जीरो के बाद एनी वाई नेगेटिव ग्रेविटी माइनस जी और टी वाई सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड यू वाई सो यू साइन थीटा। ओके आई वुड लाइक टू आस्क ओम ओम मिस्ट्री ओम मिस्ट्री। हेलो अंजू, हेलो 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 अंजू अंजू ऑफिस में फोन लगा था। बोलो जीतू के बाद माज, माज जरा बताओ क्या लिखूं यहाँ पे। माज यस सर। तो बोल ना यार एस वाई में क्या लिखू, आर लिखू या क्या लिखू? ओ टू बी। हाँ सर क्या लिखू तुम बोलो, वैसे लिखता हूँ मैं तो अपने मन से लिख दिया था सर। जीरो ना? अरे तुम बोलो ना, वहां मत बोल, आर लिखो सर, जीरो लिखो ऐसे, ना वहां मत बोल सर। जीरो जीरो। और ए वाई में सर? माइनस जी। टी वाई में? टी। सही है सर। सही है ओके। देन आई वुड लाइक टू भर्गेश, भर्गेश यस सर बताओ इसमें क्या चेंज करो, खाली इतना बोल कि सर आप ये चेंज करो। सर टी वाई में टी वन आएगा कि टोटल टाइम? टी वन आएगा। ओके अफीफ, अफीफ व्हाट शुड आई राइट इसमें, चेंज क्या करूं?
Sir, no need for change, sir. The first one is itself correct, sir. Okay. Vidhi, what to do? So the first one is correct. T. Okay, what about the last one, Bacha? Prisha, you want to say? Prisha Shetty. Chalo, theek hai. So, first one is right. Aray, Bhargesh, O to B. B pe aa gaya, pura ka pura time lagega. O to B time is T. T1 to O to A ka time, T1 ka. O to B ka time, ye dekho, O to B. What is the time? TT. Kahan ghus gaye tum? This was very right by all others. Bhargesh, you understood or not? Bhargesh Bharai. Yes, sir. So apply the formula S equal to UT plus half AT square. Or S ke badle SY equal to UYT plus half AY T square. SY will be 0. UY will be U sine theta. T will be capital T. Plus half into minus G. T square. दिख रहा है ना यहाँ पे सबको ओके एंड देयरफॉर व्हाट विल आई गेट दिस टी एंड टी स्क्वायर विल गेट कैंसिल चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू टी एंड देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी ये आंसर लर्न बाय हार्ट कर रहा है आपको लर्न बाय हार्ट यानी Anytime if I ask, come on, tell me time of flight. So, aapko bolega 2 u sin theta upon g. Learn by heart. LBH. Phir hum log karte hain. Time of flight ke baad let us say range. Number 2, will be range. I'll say x motion. From O to B. X motion from O to B. और यहां पे लिखता हूं SX, AX, TX and UX. एक मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया आपको मैथ्स में है ना कुछ समय बाद एक फॉर्मूला आने वाला है फॉर्मूला क्या मालूम है ये जरा लिखो प्लीज लिखो सब लोग Sine 2 theta is 2 times sine theta cos theta. ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सर सिखाएंगे बाद में अभी फिलहाल मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है 2 sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. या 2 sine theta cos theta is sine 2 theta. जैसे बोलना है लेफ्ट हैंड साइड पहले बोलना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहले बोलना है तो राइट हैंड साइड सो वन एंड द सेम हाँ अभी ये जरा भरो सब लोग अपने आप देन आई विल आस्क इंडिविजुअल ओपिनियन अंजू ऑफिस में फोन किया क्या क्या यस पहले बच्चों मुझे बताते जाओ सबसे पहले मैं पूछूंगा भर्गेश भर्गेश एस एक्स क्या लिखूं भर्गेश मेरी आवाज आ रही है कि बंद हो गया आवाज आना भर्गेश अया जीतू अरे बंद हो गया हाँ बोलो एस एक्स क्या लिखूं O to B, X motion from O to B, X motion. SX क्या लिखूं? R. R लिखूं, okay. और AX plus G या minus G? Minus G. Minus G, okay. TX O to B या? T. T1 या T2? नहीं टी टोटल टाइम आएगा ना ओ टू बी ओके और व्हाट अबाउट यू एक्स यू एक्स साइन थीटा यू साइन थीटा ओके अब जरा मुझे
इसमें मेरे को तो सही लग रहा है. मार्स तुम बताओ कुछ करेक्शन है कि cos थीटा सर. हां क्या u cos थीटा x cos थीटा. चलो चेंज करता हूं u cos थीटा. मार्स जरा चेंजेस बताओ इसमें क्या करना है सर. ax 0 है. अरे क्या कर दिया भरगेश यार. आई डोंट लाइक एट ऑल o to b a कौन सा ax. व्हाट अबाउट ax. मैं बोल रहा हूं u cos थीटा ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट. तो ax will be 0 ना. अरे y मोशन के टाइम पे प्लस g माइनस g होता है. जब ऊपर फेंकते तब प्लस g या माइनस g. ऐसे हॉरिजॉन्टल x मोशन में देयर इज एक्सेलरेशन इज 0. विधि एनी डाउट. विधि ओम. विधि ओम. ओम ओम मिस्ट्री. यस सर. फॉलोड और यू आर हैविंग सम डाउट. नो सर. ओके अप्लाई द फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस rpt स्क्वायर. s इक्वल टू ust प्लस हाफ ax t स्क्वायर. एस एक्स क्या लिखो. यहां से देख देख के लिखते हैं आर. यू एक्स क्या लिखना है. यू कॉस थीटा. टाइम क्या लिखना है. टोटल टाइम टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर. देयरफॉर आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू बड़ा टी. बड़ा टी के बदले मैं लिख सकता हूँ टू यू साइन थीटा अपॉन जी. एंड देयरफॉर u square 2 sin theta cos theta upon g. And therefore r का फॉर्मूला क्या होगा. ये दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. ये थोड़ा सा कट गया है. ओके तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ. चलो इसके आगे क्या लिख रहा हूँ. देयरफॉर r इक्वल टू इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ. कोई है क्लास का माइकल है जो मुझे बताएगा सर ये लिखो. इसके बाद क्या लिखो. मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं. बोलो ना प्यारे बच्चों. एक जन बोलो कोई भी. सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. दैट्स द आंसर. मास लवली बच्चा. मास यू आर लवली. प्रॉपरली उसे ध्यान रखा. सर ने टू साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा है. और सर ने अभी अभी बताया टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा. सो दैट्स द फॉर्मूला फॉर रेंज व्हिच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. ए बी एच. नाउ बचा क्या तीसरी बात बची. क्या लिखूं यहां पे टाइटल. मुझे कोई टाइटल बताएगा क्या लिखूं. टाइम ऑफ एसेंट. नो पहले क्या लिख रहा है आपने. इसके साथ से चलो ना बेटा. टाइम ऑफ एसेंट. हाइट मैक्स. यस. तो यहाँ पे मुझे बताओ हाइट मैक्स के लिए मुझे मोशन कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा. ओ टू बी या ओ टू ए. विच इज बेटर आंसर. ओ टू ए. मुझे एक्स मोशन लेना पड़ेगा कि वाई मोशन लेना पड़ेगा ओ टू ए में. O to A में मुझे x मोशन लेना पड़ेगा कि y मोशन. देखो इधर y है इधर x है. h max तो लाना है किसे भी. तो हमको कौन सा मोशन लेना पड़ेगा. So y. That's right. y मोशन के टाइम पे ही आएगा. y मोशन फ्रॉम अभी यहाँ पे लिखते जाओ. अपने को क्या क्या चाहिए. अरे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके u y v y a y and s y. ये जरा भरो. ये है ना जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी पूरा आंसर लिखेगा और फिर मैं हर एक को पूछता हूँ. और रॉन्ग आंसर देना कोई जुर्म नहीं है. प्लीज डोंट फील बैड दैट यू हैव नॉट गिवन मी गुड आंसर. ऑलराइट. अंजू बाला का फोन आ रहा था उसको बोलो लेक्चर में. क्या.
हाँ क्या पूछ रहा होगा मालूम। हाँ बोलो। सबको लिखना पड़ेगा इसमें। मैं देखता हूँ हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा भर्गेश यूआई में क्या लिखूं? यूआई ओ टू ए ओके यू साइन थीटा और वी वाई में क्या लिखूं? वी वाई में वी वाई में मास बताएगा मास। सर एट ए डोंट हाँ वेलोसिटी एट ए। देखो यू ऑलवेज इनिशियल यानी ओ पे फाइनल यानी ए पे। चलो ये नहीं बोल रहे हैं। अफीफ तुम बोलो वी बाय नो सर जीरो सर ओके विधि विधि जीरो जीतू सर जीरो जीरो अभी सब जीरो। अरे कभी भी किसी को वर्टिकल मोशन देखते हैं जब फेंकते हैं तो धीरे 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 वेलोसिटी जीरो। मैंने बताया था कि ये यू साइन थीटा विल गो ऑन डिक्रीजिंग 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 यहां पे जीरो होगा बट यू कॉस थीटा विल रिमेन सेम। यू कॉस थीटा थ्रू आउट विल रिमेन सेम बट वर्टिकल कंपोनेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग इट विल बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ए वाई क्या लिखूं? ए वाई ए वाई माइनस माइनस जी और एस वाई विल बी जीरो। एस वाई विल बी क्या लिखूं? एस वाई एच जी सर इट्स अ एच मैक्स एस वाई विल बी एच मैक्स बराबर है ओके। देयरफॉर अप्लाई द फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देयरफॉर एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेर। चलो एस वाई के बदले क्या अब जरा लिखते जाओ। एस वाई के बदले क्या लिखूं? एच मैक्स यू वाई के बदले यू साइन। नहीं 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 सॉरी मैंने गलत फॉर्मूला यूज कर लिया। गलत फॉर्मूला यूज कर लिया आएगा आंसर इससे भी। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू बी यूज्ड एनीबॉडी? What is the correct formula to be used? V square is equal to U square plus 2AS. That's right. Lovely answer. And therefore, Vy square equal to two Ay square. अभी डालो। वीवाई क्या लिखूं? जीरो। यूवाई क्या लिखूं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू। एवाई क्या लिखूं? माइनस जी। एस वाई लिखूं? एच मैक्स। दिस फॉर्मूला यू विल व्हाट यू विल डू? ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे? लाल मैं लेके आया हूं। व्हाट विल यू डू दिस फॉर्मूला? लर्न बाय हार्ट। ये लो हार्ट भी बना दिया मैंने। ये फॉर्मूले अगर लर्न होंगे ना तो आपका सीईटी नीट ये सब में बहुत मजा आएगा आपको स्कोर करने का। ये मैंने तीन किए पहले अभी दो करना अभी बाकी है। और कभी भी प्रिपेयर कैसे करने का? एनीबडी कैन टेल मी हाउ टू प्रिपेयर? ये डेरिवेशन प्रिपेयर करने तो कैसे करने का? एनीबडी बाय राइटिंग। बाय राइटिंग पूरा देखो बंद करो और रफ डायग्राम मतलब ऐसा कोई आर्टिस्ट है रफ डायग्राम लेके दग 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 लिखो। उसके बाद लाल पेन लो लाल पेन लेके चेक करो कि डन मिस्टेक है और कुछ नहीं आया तो उसको वापस देखो कि मेरे को क्यों नहीं आया ये कहां मैं अटक गया। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं ये ध्यान रखना। खाली देखने से नहीं आएगा ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स।
इवन केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह रहते हैं, लिखने मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस, जो लिखता है वो जीतता है, जिसने लिखा उसने जीता। चलो ओके, देखो सबने कॉपी किया गया तो मैं आगे एक बार रिपीट कर दूं। प्यारे बच्चों, यस ओके, अब है ना ये डायग्राम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लाइट, यानी मुझे ओ से बी तक जाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर था और वर्टिकल डिस्टेंस जीरो था, तो मैंने ये ले लिया सीधा वाई मोशन फ्रॉम ओ टू बी। सबसे खतरनाक बात है एस वाई जीरो, ओ टू बी में वर्टिकल डिस्टेंस रेवेंटी जीरो, क्योंकि ओ टू ए में वर्टिकल डिस्टेंस एच मैक्स, बट ओ टू बी में वर्टिकल डिस्टेंस जीरो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में भी आर एस वाई जीरो, ए वाई बी भी माइनस जी, क्योंकि इनिशियली बॉडी को ऊपर फेंका था। ओ टू बी पूरा का पूरा पहुंच गया यहाँ पे, तो टाइम ऑफ लाइट इज टी, एंड बिकॉज वर्टिकल तो यू आई बी भी यू साइन थीटा, अप्लाई द फॉर्मूला इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू एस वाई जीरो, यू वाई यू साइन थीटा, टी इज कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी स्मॉल टी कैपिटल टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर इज यू साइन थीटा इंटू टी, तो टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। रेंज कितनी दूर गया, तो रेंज के लिए ऑब्वियसली एक्स मोशन फ्रॉम ओ टू बी, एक्स मोशन एस एक्स विल बी इक्वल टू आर, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस एस एक्स है ना आर, ए एक्स विल बी जीरो बिकॉज यू कॉस थीटा विल रिमेन कॉन्स्टेंट, टी एक्स विल बी टोटल टी, यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स के बदले सब का सफिक्स एक्स रखा, आर के बदले एस एक्स के बदले आर, देखो आर है, यू एक्स के बदले यू कॉस थीटा, t के बदले कैपिटल t प्लस हाफ ax इज जीरो एंड t स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया तो इसका कुछ मतलब ही नहीं, तो r इक्वल टू u cos थीटा t के बदले 2u sin थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, दिस इज नथिंग बट sin 2 थीटा, तो ये मैंने ऊपर लिखा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्वेश्चन है टू लर्न बाय हार्ट h max or to a which motion y motion from o to a, uy will be u sin theta, vy will be zero, ये बहुत important है, कभी भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो vertical component becomes zero at maximum height, ay will be minus g क्योंकि ऊपर फेंका है o पे, sy will be h max, apply the formula v square equal to u square plus 2as, suffix y रखा, vy is zero, uy is u sin theta, therefore u square, uy square will be u square sin square theta plus 2, ay will be minus g, sy will be h max, ये रहा फाइनल फॉर्मूला। ओके, इतना कॉपी कर लिया आपने सभी ने, कॉपी कर लिया बच्चों सभी ने, तो मिटाऊं? यस सर, यस सर। हम लोग को क्या करना है बोलो, क्या लेना है, क्या ढूंढना है बोलो, टाइम ऑफ सर डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ एसेंट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ऊपर जाने में, अरे स्पेलिंग गलत, ए एस सी ई एन टी एसेंट, टी वन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऊपर जाने में अराउंड 70-75 इयर्स एवरेज टाइम, टाइम ऑफ एसेंट। ओके मुझे बताओ यू, हाँ y मोशन, फ्रॉम ओ टू ए, यू वाई ए वाई वी वाई टी वाई, ये जरा भरो प्लीज, भरो अपने आप, एवरी वन ऑफ यू भरो भरो भरो, y मोशन है इसलिए y, y यानी वर्टिकल, ऐसे ऐसे, तो इधर क्या लिखो, u cos theta लिख दो ना, u y नो सर, u sin theta, u sin theta, चलो u sin theta, what about ay, ay will be zero, will you agree, नो सर, ay will be zero minus g,